हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये टाइम जो है बिल्कुल सुबह का है, तो हैप्पी मॉर्निंग। एंड अभी सुबह के लगभग 6 भी बजे हैं और देखिए बाहर अंधेरा भी है, 6 बजे ही अंधेरा इधर रहता है। और इधर देखिए, अभी हमने बादाम फुला दिया था, तो बादाम को हमने सबसे पहले धोकर इसको साइड कर दिया है। और सबसे पहला काम जो हम लोगों का होता है किचन का, वो होता है बर्तन धोना, क्योंकि बर्तन जो है शाम को मतलब धो नहीं पाए थे, तो सारा बर्तन जो है अभी जल्दी जल्दी से धोकर निकाल लेते हैं। और 4 भी बारहवीं को स्कूल भी भेजना है, तो अभी लोग सोया हुआ है बच्चा लोग, तो जल्दी जल्दी से झटपट से हम लोग काम को निपटा लेते हैं। उसके बाद जो है जो ज़रूरी बर्तन रहता है वो सबसे पहले मैं निकालती हूँ, उसके बाद जो बचा हुआ बर्तन है वो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है वैसे वैसे निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोगों को चावल बनाना होता है सुबह सुबह, क्योंकि साउथ में लोग चावल ही पसंद करते हैं और लंच में भी लोग चावल ही लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले चावल के लिए पानी चढ़ा देती हूँ और इसी में से थोड़ा सा पानी गुनगुना सुबह जो है हम लोग निकाल लेते हैं पीने के लिए। और उधर चावल चढ़ा दिए हैं और इधर आ गए हैं हम लोग। इधर कपड़ा भी धोना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, वाशिंग मशीन में पानी जो है वो स्टोर कर लेते हैं सुबह सुबह ही। और इधर देखिए, बारबी जो है अभी मच्छरदानी में सोई हुई है, तो जल्दी जल्दी से सारा कपड़ा जो है वाशिंग मशीन में डाल देते हैं। तो ऐसे करने से काम जो है पैरेलल हो जाता है, जब तक मेरा कपड़ा जो है वो फूल जाएगा जब तक मेरा खाना बनेगा, तो ये आराम से जो है वो धुल जाएगा। तो सुबह सुबह ही डाल देते हैं इधर, और उधर मेरा खाना भी बन रहा है, तो मेरा दोनों काम जो है वो पैरेलल हो जाता है। तो इस तरह से सारे कपड़े को हमने डाल दिया है और अभी मशीन को ऑन कर दी हूँ और पानी को भी ऑन कर दी हूँ। ये ऑटोमेटिक है, तो जितना पानी इसको चाहिए होता है उतना लेकर ये खुद ब खुद जो है वो मतलब अगर ऑफ हो जाएगा या फिर मतलब टेटे करने लगता है। तो अभी देखिए पानी इधर गर्म हो गया है, तो अभी इसको हम लोग जितना पानी मुझे पीना होता है उतना मैं साइड कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें चावल जो है जल्दी जल्दी चढ़ा देते हैं, उसके बाद जो है और बचा हुआ काम जो है कर लेंगे। तो चावल भी हमने चढ़ा दिया है और यह देखिए पनीर जो है हमने घर में सुबह सुबह बनाया था, तो पनीर भी हम लोग निकाल लेते हैं, इधर साइड कर लेते हैं और इसको फ्रिज में डाल देंगे, क्योंकि पनीर जो है वो ताज़ा मतलब फ्रिज में डालने से वो ताज़ा रहेगा। तो अभी देखिए आज खाने में बना था सांभर इडली और डोसा, वो प्योर साउथ इंडियन खाना आज बना था। तो देखिए बच्चे लोग तो खाकर चले गए हैं, इतना सांभर जो है वो बचा हुआ है। तो जब भी सांभर खाना होता है तो आप उसको एक बार गर्म कर लीजिए। सांभर जो है काफ़ी हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियाँ होती है, बहुत सारे दाल होते हैं और बहुत सारा अदरक लहसुन सारा चीज़ इसमें रहता है, तो ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी इतना सांभर मेरा बचा हुआ है और आज पूरा दिन हम लोग सांभर ही सांभर खाने वाले हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में और बचेगा तो डिनर में भी खा लेंगे। तो इतना सारा सांभर मेरा बन गया है, तो अभी इडली डोसा भी मेरा तैयार हो गया है। और सुबह सुबह हम लोग इडली बना लिए थे और बारबी को इडली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत दिनों से बोल रही थी, तो हमने इडली बना लिया, डोसा भी बना लिया और सांभर भी बना लिया। तो बच्चे लोग तो लेकर स्कूल चले गए हैं और जिसको खाना था वो खा लिया है, तो अभी मेरी बारी है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और ये देखिए लड्डू जो है मैंने बनाया है। ये लड्डू जो है देख सकते हैं, ये लड्डू जो है वो बाजरे के आटे का लड्डू है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी मुझे इसको स्टोर करना था, तो अभी मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ। ये जो है लड्डू मैंने रात में ही बना के रखा है, अभी सर्दी का मौसम है, तो इस तरह के लड्डू आप भी अपने लिए बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा नाश्ता भी हो गया है, लड्डू भी मैंने रख लिया और देखिए बच्चे लोगों को स्कूल जाने के बाद किचन की हालत देखिए कैसे हो जाता है, किचन पूरा फैला हुआ है। तो झटपट अभी हम लोग किचन की सफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को बर्तन की सफाई करनी होगी, उसके बाद जो किचन का स्लैब है उसकी सफाई करेंगे। तो अभी बर्तन मेरा पूरा धुल गया है, अभी हम लोग जो किचन जो है स्लैब जो गंदा पड़ा हुआ है उसकी भी सफाई कर लेते हैं। और देखिए इस तरह से जो है एक बार दो बार जो है सफाई दिन भर में करना ही पड़ता है, कितना भी साफ कीजिए तो जब खाना बनने लगता है तो फिर गंदा ही हो जाता है। तो इस तरह से अभी हम लोग साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी से झाड़ा काम निपटाते हैं, क्योंकि आज अभी हमें पौधे में पानी भी देना है और अभी तक हमने नहाया भी नहीं है। तो सबसे पहले जो है सबसे पहले इसको सफाई कर लेते हैं, उसके बाद पौधे में पानी भी हम लोगों को डालना है, क्योंकि दो दिन से पौधे में पानी नहीं डाला है तो वो पौधा जो है सूख जाएगा। तो इधर किचन का जो भी सामान पड़ा हुआ था, बहुत सारा डब्बा डब्बी पड़ा हुआ था, उसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि डेली डेली साफ़ करेंगे थोड़ा थोड़ा तो काम जो है वो जल्दी हो जाता है। और देखिए आ गए हैं पौधा के पास पानी देने, देखिए जगह बहुत कम है, मतलब ज़्यादा जगह है नहीं, लेकिन उसी में से थोड़ा थोड़ा पौधा हम लोग लगा लेते हैं। देखिए बारबी जो है एक दो पौधा लगाई है, वो तुलसी का पौधा लगाई है, इधर देखिए एक फूल का पौधा दिख रहा होगा आपको जिसमें फूल भी खिल गया है, और तीन चार यहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ है, इसमें से एक दो बारबी लगाई है। तो थोड़ा थोड़ा पानी सब में डाल देते हैं,
क्योंकि पानी नहीं डालने से छोटा छोटा पौधा जो है वो सूख जाता है। इन लोग को डेली पानी चाहिए। और इधर देखिए एक बड़ा पौधा जो है वो भी हमने लगाया है। और इधर देखिए इसमें बारबी जो है छोटा छोटा जो है बीज डाल देती है, कभी पपाया का, कभी लेमन का, कभी किसी चीज़ का, तो वो भी उग जाता है। कभी धनिया का बीज डाल देती है, तो ये सारा पौधा जो है इसमें उग जाता है। और देखिए पौधा मेरा मतलब ये जो है इंडोर प्लांट है, तो जितना सा जगह है उसी में मैं थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ। तो सारे पौधे में हमने पानी जो है वो डाल दिया है। और अभी इधर देखिए कचड़ा वाला जो है वो बहुत दिनों से आया नहीं है, तो कचड़ा जो है पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, कचड़ा को एक प्लास्टिक में पूरा डाल लेते हैं, और जब जाएंगे बाहर तो इसको जो है डब्बा में, उधर डस्टबिन रखा रहता है बाहर, तो उसी में थ्रो करके आ जाएंगे। क्योंकि जब कचड़ा 3-4 दिन हो जाता है तो वो स्मेल करने लगता है। और इधर गार्बेज कलेक्टर जो है वो डेली आता नहीं है, तो इस तरह से जो है गार्बेज को पैक करके बाहर जो है थ्रो कर देंगे। तो मेरा गार्बेज भी हो गया है और घर का लगभग सारा काम हो गया है दोस्तों। तो अभी घर की सफाई जो है वो करना बाकी हो गया है। देखिए कितना है पड़ा हुआ। और 4वीं 12वीं जो जब जाती है स्कूल तो वैसे ही फैलाकर चली जाती है। तो जल्दी जल्दी से अभी घर की सफाई करते हैं। देखिए झाड़ू भी लगाना है और उसके बाद हम लोग पोछा भी लगा लेंगे। तो जल्दी जल्दी से घर की सफाई कर लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद जय भारत।